जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कहते हैं ना कि जब मेहनत करिए उसका रिजल्ट आता है तो बड़ी खुशी होती है। ये मेरा बच्चा क्या नाम बाबू? संदीप कुमार वर्मा। संदीप कुमार वर्मा बस्ती से? यस सर। SRB बैच से? यस सर। और कौन सा ग्रुप था? एस्पायरेंट ग्रुप। वेरी गुड। पिछली बार कितना स्कोर था? 588। इस बार कितना आया? 657। तो बेटा ये बताओ, पिछली बार जब 588 आया तो बड़े मायूस हो गए होंगे? यस सर, बहुत रोए थे सर रिजल्ट के लिए। बहुत मतलब अंदर आस पास बहुत रोए थे। बहुत रोए थे सर, हैं? बहुत रोए थे। और सब लोग भी कहते हो घर में, अब क्या तैयारी करा रहे, कुछ नहीं कर पाएगा। यस सर, गांव वाले भी कहते थे कि हाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले से बहुत बच्चे तैयारी करके रिटर्न हो गए थे, उनका हुआ नहीं था। तो गांव वाले भी बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, ये सब ऐसा थोड़ी ना होता है। उस बच्चे का होता है जो CBSE पैटर्न। अब गांव वालों को बता दो, न्यू लाइट है तो मुमकिन है। यस सर, है? तो बताएंगे। है? यस सर। तो ऐसे सारे बच्चे जो 4-5 बार नीट देके परेशान हो चुके हैं, पैसा भी नहीं है, सब लोग सुना भी रहे हैं, जी सर, उनको मिल जाता है सिंगसर का प्यार। उनके लिए न्यू लाइट माँ बाप सब कुछ यही है सर, है? सब कुछ यही है। अब मेरे लिए भी तुम ही लोग सब कुछ हो। यस सर, इसीलिए तो प्यार ही इतना है आपके प्रति। क्या कहना चाहोगे बेटा? खूब रोए थे। यस सर, बहुत रोए थे। जी सर। तो रोए थे केवल आंसू गिर रहे थे कि आवाज भी निकल रही थी? नहीं सर, सब कुछ, आंसू भी निकल रहे थे, आवाज भी निकल रही थी। अकेले रोए थे, लोगों के सामने रोए थे? नहीं, अकेले रोए थे सर। जब रोने के बाद आंसू शांत हुआ तो क्या सोचा था करेंगे? जी सर, फिर सोचे थे, आपका वीडियो देखते थे यूट्यूब पे, तो SRB में सुने थे, तो कहे थे आपकी बार जाएंगे जरूर यहाँ पे। और कुछ बच्चे भी थे, ऐसे दोस्त थे जो पिछली बार यहाँ पे थे, वो सिलेक्ट हो गए थे यहाँ पे, तो वो भी सजेशन दिए कि SRB बैच जाके वहाँ पे ज्वाइन करो। SRB बैच का बेटा मतलब पता क्या था हमारा? यस सर। कि जब दो रोने वालों को एक साथ मिला दो तो अपने आप माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यस सर। है ना, प्लस बच्चे आइसोलेटेड हैं, खुद ही दुखी हैं, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका ग्रुप बना दिया, आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं। यस सर। कभी कभी प्राइज दे दिया तो कुछ खा पी भी लेते हैं। यस, है ना। तो न्यू लाइट की जर्नी कैसी रही बेटा? बहुत अच्छा रहा सर, ये मतलब कभी लगा ही नहीं कि हम घर से बाहर हैं, ये तो एक परिवार के जैसा था मेरे लिए। और आपका इंटरेक्शन मतलब बहुत ही प्यारा था पूरा, मतलब अब यहाँ से जाने के बाद घर पे टाइम नहीं गुजरता। जैसे तो क्यों जाओगे, यहीं रहो हमारे साथ नीट तक, काम करो। हमारा तो एक नारा है, नीट के साथ भी नीट के बाद भी, काम करो। यस सर। बच्चों की हेल्प करो। यस सर। ठीक है ना बेटा, बहुत बहुत बधाई, और आगे तुम्हें कॉलेज में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ जाओगे कोई ना कोई अपना बच्चा मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, और हमें तुम लोगों से प्यार नहीं होता तो हमें अभी सेज में कोई ज़रूरत नहीं थी। तो कहते हैं कोई काम 2 साल कर लो, 4 साल कर लो, 10 साल कर लो, उब जाता आदमी। और हम ये काम 40 साल से कर रहे हैं। हमारा पहला बच्चा 84 में सेलेक्ट हुआ था। तो ये 84 से लेके 2023 की जो जर्नी है ना, उसमें बच्चों का प्यार बढ़ता जा रहा है। तो गॉड ब्लेस यू बेटा। तो अब चाचा लोग उदास हो गए होंगे? यस सर। हैं? उदास हो जाएंगे सर, अब रिजल्ट आने दीजिए। हैं? अभी तो। अब वीडियो भी देख के उदास होंगे? हाँ सर। हैं? जी सर। बहुत बहुत बधाई बेटा, गॉड ब्लेस यू। और एक काम जरूर करिए कि अगर आप परेशान थे, दुखी थे, रोए थे, तो जो बच्चा एक रो रहा हो उसको गोद लीजिए और संभालिए। क्योंकि हम लोग इस बार एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जो बच्चे दूर हैं उनको समझाएंगे, इमोशनली स्ट्रांग करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। तुम्हारा व्हाइट एप्रिन स्टाथ वो वेट कर रहा है, बस NTA के आंसर के आने दो। आल दी बेस्ट बेटा। तो इस बार आ रहे 657। तो आई थिंक तुम्हें KGMC मिल जाएगा। yes, तो UP के बेस्ट कॉलेज में जा रहे हो। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।